नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। एयर इंडिया के मुंबई से भुवनेश्वर जा रही फ्लाइट की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। खबर है कि कॉकपिट में धुआं देखने के बाद विमान को वापस मुंबई उतार लिया गया। फुल इमरजेंसी लैंडिंग का ऐलान किया गया और फिलहाल खबर यह है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। लेकिन ये धुआं क्या था, कैसे ये धुआं निकला, क्या कोई आग लगी विमान में, इस बात का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। लेकिन जैसे ही ये दिखा धुआं, वैसे ही अलर्ट किया गया और विमान को वापस मोड़ा गया, मुंबई की तरफ लाया गया। लेकिन एयरपोर्ट पर पूरे इमरजेंसी इंतजाम किए गए और इंतजाम करने के बाद एयर इंडिया की 669 फ्लाइट को सुरक्षित उतार लिया गया। अनिंदो बैनर्जी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अनिंदो, क्या हुआ था, कोई जानकारी मिल पाई है? ये एयर इंडिया 669 फ्लाइट था सैयद, ये दिल्ली से मुंबई से भुवनेश्वर जाने वाला था। मुंबई से जैसे ही रवाना हुआ तो कॉकपिट से कुछ धुआं निकलते हुए देखा गया। तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कॉन्टेक्ट किया गया लोकल ATC को, जो की मुंबई ATC, और तुरंत वापस लाया गया। इमरजेंसी फुल इमरजेंसी घोषणा किया हुआ गया, फुल इमरजेंसी लैंडिंग हुआ। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वक्त सारे 156 जो यात्री थे, जो ऑन बोर्ड थे, सारे सुरक्षित। अनिंदो, ये तो अच्छी बात है कि सेफ लैंडिंग हुई, सभी सुरक्षित हैं। लेकिन ये कितना सीरियस है, कितना खतरनाक हो सकता था? अनिंदो, बहुत ही खतरनाक हो सकता था। इसके बोलने के लिए कोई भी समझ सकता है कि अगर ये चिंगारी हो सकता था या हो सकता कोई आग लगा होता तो बहुत ही भयानक हो सकता था। हो सकता सारे लोग के जान खतरे में हो सकता था। इसीलिए एक DGC इंक्वायरी ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया गया। तो DGC इंक्वायरी अब फिलहाल जो 156 यात्री है वो दूसरे एयरक्राफ्ट के थ्रू भुवनेश्वर जाएंगे और उस एयरक्राफ्ट का बकायदा मुआयना किया जाएगा कि क्या। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए।